गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भाई के चैनल लाइव सेवर्स में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह हो चुकी है और सुबह उठ के मैंने अभी चाय पी है जस्ट, और अभी साथ के साथ मैं अभी अपना व्लॉग देख रहा था मोबाइल में कि वीडियो किस तरह से डली है और कैसी चल रही है। उनका वाईफाई लिया, मैं उनसे भी मिलाऊंगा आपको। तो मेरे बड़े करीबी भाई कह लो, तो सर प्लीज़, इनका नाम है। थैंक यू भाई ने मेरे लिए कुरियर लाया। और फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। अभी मैं आपको लेके आया हूँ सीधा बाहर, आप मेरे पीछे देख सकते हो बारिश बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। मैंने सोचा थोड़ी सी बारिश कम होगी तो चलो कुछ ना कुछ नया प्लान करेंगे, बट बारिश कंटिन्यू लगी हुई है। और अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट उन्होंने बताया कि अभी 2-3 दिन जो वेदर है वो इसी तरीके से ही रहेगा। मे बी संडे या मंडे के बाद थोड़ा सा वेदर ठीक हो, तो अभी जल्दी से रेडी हो जाते हैं, रेडी होके निकलते हैं यहाँ से क्योंकि अभी शॉप पे टाइमली पहुँचना है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा छत पे, वो दिखाता हूँ जो मैं आपको कल बता रहा था पहाड़ियाँ, जो मैं आपको फॉग दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे घर से बिल्कुल हाफ किलोमीटर ही है, तो देखेंगे अगर आप टाइम हुआ तो लगाएंगे वहाँ पे चक्कर, अदरवाइज रेडी होके जल्दी निकलते हैं घर से। एंड फाइनली अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और बाहर इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ दिखाने के लिए कि बारिश की स्पीड कंटिन्यू है। अभी तक सुबह से अभी तक लगातार बारिश हो रही है और आज दूध भी नहीं आया है, तो घर वालों ने कहा कि सबसे पहले दूध मंगवाओ और दूध लेने जाना पड़ेगा। तो अभी जाऊँगा दूध लेने, वहाँ से देख के उसके बाद जाऊँगा शॉप पे। बहुत टाइमली शॉप पे पहुंच गए थे आके, जो कुछ पेशेंट्स थे वो अटेंड किए और उसके बाद आज ज़्यादा काम नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बारिश मैंने आपको बताया कि कंटिन्यू लगी हुई है और अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट बारिश बंद होने वाली नहीं है अभी 2 दिन के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने ये छोटी सी लोई रखी है, वो इसलिए क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और हवा जो है वो कंटिन्यू चल रही है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी रख लेते हैं क्योंकि गला काफ़ी ख़राब है। पिछले 10-15 दिन से यहाँ पे हमारे गुरुद्वारा साहब में प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ पे गांव में भी कुछ छोटे मोटे फंक्शंस थे, बाहर खाना पड़ा, अटेंड करना पड़ा, थोड़ी सी हवा लगी हुई है तो गला ख़राब है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा प्रोटेक्शन ले लेते हैं। तो अभी एज सच काम थोड़ा नहीं है, तो विशाल ने भी रिक्वेस्ट की है कि उसका जो मोबाइल है वो अभी ख़राब हो चुका है, तो उसका प्लान था कल जाने का, तो हमने डिसाइड किया कि हम अभी जाते हैं तो मोबाइल मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं। अगर मार्केट कोई शॉप खुली मिली तो मोबाइल लाएंगे और उसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे कि कौन सा मॉडल उसने परचेज़ किया और क्या क्या उसके फीचर्स हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जितना जल्दी होगा आप यहाँ से निकलते हैं, मार्केट पहुँच के मोबाइल ला के आपसे दिखाते हैं क्या हमने परचेज़। तो फ्रेंड्स, अभी शॉप से निकल गए हैं मार्केट की ओर और मेरे पीछे आप देख सकते हो विशाल मेरे साथ बैठा हुआ है, तो आज ये नया मोबाइल खरीदने वाला है, तो नया मोबाइल खरीद के ये पार्टी भी कराएगा मैं आज के दिन। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है और पार्टी लेने का मज़ा आ जाएगा। और लखविंदर व्लॉग्स भी आया हमारे साथ, क्योंकि मोबाइल कहीं थोड़ा भारी होगा तो 2-3 बंदे लाए हैं साथ में कि मोबाइल को उठा के लाएंगे। साथ में पीछे 50 kg वाली बोरी भी डाल रखी है, अगर और ज़्यादा भारी होगा उसमें पैक करेंगे। तो अभी सीधा पहुँचते हैं मार्केट में, बारिश मैंने आपको कहा था कि लग जाएगी और फिर से लग गई है। मैं थोड़ा बारिश दिखाता हूँ आपको, मोबाइल लेने अभी पहुंचे नहीं हैं, पहले सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो ये जो कुलचे की शॉप है यहाँ पे सुंदरबनी में, शॉप का नाम है नलते के छोले, काफ़ी पुरानी शॉप है, तो हमने सोचा कि पहले यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, खाने के बाद चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अभी इंजॉय करें, विक्की भाई से हम खाते हैं हर टाइम, ये हमारे विक्की भाई हैं, काफ़ी टेस्टी जो कुलचा यहाँ पर मिलता है, तो अभी खा के सीधा वहाँ पहुँचते हैं, दिखाते हैं आपको आगे चलते हैं। अभी हम मार्केट
मार्केट से आ गए हैं वापिस, तो जो मोबाइल लाया है हमने परचेज करके Realme 8i, और इस फ़ोन की जो ख़ास बात हमें लगी है जिसलिए हमने ये मोबाइल लिया है, एक तो फर्स्टली हमारा जो बजट था वो बजट था 15,000 का, और ये मोबाइल उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा था। तो तीन चीज़ें जो हमें इसमें जो बेस्ट लगी, एक तो इसका Helio G6 प्रोसेसर है इसका, और दूसरा इसका जो डिस्प्ले इसकी 120 हर्ट्ज़ की है, और जो ख़ास बात जो हमारे मोबाइल्स में ज़रूरी होनी चाहिए वो है इसकी बैटरी, वो है 5000 mAh की। तो अब इसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग। तो सेव करने के लिए मैंने इसको फ़ोन को ओपन कर लिया, और अभी बैक कवर इसके साथ आया है और अडॉप्टर और एक टाटा केबल। तो अभी ये देंगे मिस्टर विशाल को। विशाल जी संभालिए आप अपनी अमानत, डालिए इसमें सिम और कीजिए इसको स्टार्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू मोबाइल फ़ोन, थोड़ा संभाल के रखिए इसको। बैक नहीं वर्क कर रहा था अच्छे से, उसकी एक्चुअली अपडेट आई हुई थी तो मैंने चेक नहीं किया, तो भी रिसेंट मैंने उसको देखा है, अपडेट पे लगाया हुआ है उसको, तो देखते हैं कि अपडेट हो पाता है कि नहीं। शॉप पे तो वाईफाई लगा हुआ है बट उसकी स्पीड काफ़ी कम है, मैं दिखाता हूँ आपको। उस दिन मुझे अपना काम करने के लिए मार्केट जाना पड़ा था क्योंकि स्पीड काफ़ी कम आ रही थी, तो आज तो स्पीड ठीक आ रही है, अभी 16 मिनट्स जो हैं दिखा रहा है। फ्रेंड्स फाइनली इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुकी है और अभी मैक ऑन हो गया है। तो पहले जो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसकी आ रही थी, कुछ एरर्स इसके आ रहे थे, अभी काम करके पता लगेगा कि अभी इसमें एरर्स हैं कि नहीं। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो इसको सर्विस सेंटर दिखाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, थोड़ा सा इसको काम करके चेक करके देखते हैं, तो काम ख़त्म करके करते हैं आपसे बात। तो अभी टाइम काफ़ी हो चुका है और हमने अभी प्लानिंग की है कि अभी हम लोग शॉप को करेंगे क्लोज़, वो इसलिए क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और अभी बारिश का मौसम है, बारिश अभी कंटिन्यू लगी हुई है सुबह से। तो अगर किसी को एमरजेंसी होगी, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है, कोई कॉल कर लेगा किसी ने अगर आना होगा, बट अभी लगता नहीं कोई आएगा क्योंकि बारिश का मौसम है, तो घर से बाहर अभी कोई निकलेगा नहीं। अगर किसी ने आना होता तो वो टाइमली आ जाता। और हरी भी शॉप जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज़ कर चुका है, बस थोड़ा बहुत जो काम है वो रह गया है, तो ये अभी करके हम यहाँ से भी निकल जाएंगे। फ्रेंड्स आज का दिन ठंड से भरा हुआ था, सारा दिन बारिश जो लगी रही, दिन में लंच भी नहीं किया आज, वो भी स्किप हो गया, वो इसलिए क्योंकि मन नहीं किया खाने का, सर्दी का मौसम था, चाय पी एक दो बार, बाज़ार गए थे वो आपके सामने, वो वहाँ पे कुलचा खा लिया, तो खाना खाया नहीं आज। और दूसरी बात, अभी घर जाके देखेंगे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करेंगे आज, अभी थोड़ा सा माइंड भी थक चुका है काम कर करके, तो सोच रहा हूँ कि कोई मूवी या कोई सॉन्ग्स वगैरह सुनेंगे घर जाके, तो खाना खा के गपशप लगाएंगे और आपसे बात करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी घर जाके करते हैं आपसे बात। तो फाइनली अभी घर पहुँच चुका हूँ और अभी डिनर नहीं किया, डिनर अभी तैयार हो रहा है, थोड़ी देर के बाद फ्रेश होके डिनर करेंगे, और काफ़ी थक चुके हैं, अभी सर्दी का मौसम था जैसे आपको पता ही है, तो अभी करेंगे रेस्ट। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सो दैट आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूं। तो फ्रेंड्स व्लॉग बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, तो फ्रेंड अपना प्यार ज़रूर देना। मिलते हैं आपके साथ जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।